महादेव और बोल बम के नारे से अभी बाबा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है और मैं खड़ा हूँ बाहर अर्घा के जगह पर। और ये जगह कहाँ पर ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाहर में भी जो अर्घा लग चुका है सिस्टम और बाहर से भी बाबा का पूजा करके जा सकेंगे। तो चलिए मैं आपको रियर कैमरा ओपन करके सारा कुछ दिखाता हूँ किस जगह पर बाहर अर्घा है। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, आपको जल्दी पूजा करना है, तो आप बाहर से ही जो अर्घे सिस्टम में आप जल्द हल्के जो है बाबा का पूजा कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको सारा। अब सभी कांवरियों के लिए बाह्य अर्घा भी लग चुका है। तो ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं यहीं पर आप जलार्पण कर सकते हैं। बाहर से ही मंदिर में प्रवेश किए बिना ही आप जो है जलार्पण करेंगे और ये जल जो है बाबा के माथे पर ही जाने वाला है। देखिए सब कोई बाह्य अर्घा से भी जलार्पण कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से सब कोई बाह्य अर्घा से जलार्पण कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से आपको जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था रखा गया है। यहीं पर आपको जल चढ़ाना है और बाह्य अर्घा किस जगह पर लगा हुआ है ये भी सारा कुछ आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए किस प्रकार से सब कोई जो भी भक्त आए हुए हैं बाबा धाम वो जलार्पण कर रहे हैं बाह्य अर्घा के माध्यम से। और ये जल भी जो है बाबा के माथे पर ही चढ़ने वाला है। तो जिनको दिक्कत है आप लाइन में नहीं लग सकते हैं तो आप यहाँ पर जो है बाह्य अर्घा के माध्यम से भी जलार्पण कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से जो है आप सरलतापूर्वक बाह्य अर्घा से जलार्पण कर सकेंगे। और ये किस जगह पर है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मंदिर है बाबा का मेन मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर, बस उसके निकास द्वार है उसके बगल में आपको जो है बाह्य अर्घा दिख जाएगा। और यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, आप दूर से भी बोर्ड को देख सकेंगे और वहाँ पर जाके आप जलार्पण कर सकेंगे। और इसके बगल में जो है आपको बड़ा सा LED लगा हुआ है जहाँ से आप जो है बाबा को भी देख सकेंगे। चलिए मैं अब बताता हूँ और किस तरह से आप आ सकते हैं। ये जो आपको दरवाजा दिखाया हमने ये है VIP गेट। VIP गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे उसके बाद आपको बाह्य अर्घा नजर आएगा और वहाँ से जो है आप बाबा पर जलार्पण कर सकेंगे। और अगर आप सिंह द्वार से बाबा मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको बाबा के आंगन में आने के बाद आपको दाएं तरफ चला जाना है और उसके बाद आपको बाबा बैद्यनाथ का जो है मंदिर में जो जलार्पण करके निकलते हैं उसी द्वार के बगल में आपको बाह्य अर्घा मिलेगा, जहां पर आप बाबा पर जलार्पण करके इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको मैया पार्वती के मंदिर में भी जलार्पण करना है तो आप इस जो लाइन जा रही है आप देख सकते हैं, बस इसी लाइन में आपको लगना है, फिर आप मैया पार्वती के मंदिर भी जलार्पण जो है कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से निकलना है बाह्य अर्घा में जलार्पण करने के बाद। और फिर ये जो लाइन जा रही है मैं फिर से आपको घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, इस बार जो है रस्सी से भी घेर दिया गया है। तो बस इसी लाइन में आपको होते हुए आगे बढ़ना है और आगे आपको मैया पार्वती का मंदिर मिलेगा, जहाँ पर आप जो है मैया पार्वती के मंदिर में भी जलार्पण कर सकेंगे। तो ये रहा मैया पार्वती का मंदिर। अब जो है बहुत कोई बाह्य अर्घा से भी जलार्पण कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया किस जगह पर बाह्य अर्घा लगा हुआ है और कैसे आप बाह्य अर्घा से जलार्पण करेंगे। आप बाह्य अर्घा से भी अगर जलार्पण करते हैं तो वो भी बाबा के माथे पे ही चढ़ेगा जल। तो चलिए मैं आपको जो है अब यहाँ पर एक झलक घुमा के दिखाता हूँ कितने ज्यादा में संख्या में आज यहाँ पर सभी कांवरिये पहुंचे हुए हैं। और बाह्य अर्घा के पास बहुत कम जो है लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए हैं लाइन में, वो लगने से असमर्थ है, इसीलिए वो जो है जाके बाबा के जो है बाह्य अर्घा में ही जलार्पण करते हैं। तो जिनको जल्दीबाजी रहता है या फिर जो उतना देर तक लाइन में नहीं ले सकते हैं उनके लिए बाह्य अर्घा का व्यवस्था किया गया है। और अगर आपको ऐसे भी मन है कि आप बाह्य अर्घा से जलार्पण करेंगे तो और भी अच्छा है, तो आप जो है बाह्य अर्घा से भी जलार्पण कर सकते हैं। आपको दिखाई दिया किस जगह पर बाह्य अर्घा है और कैसे जो है वहाँ से आप जलार्पण कर सकेंगे। चलिए अब एक झलक जो है आपको मंदिर प्रांगण का घुमा के दिखाते हैं कितने ज्यादा संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से अर्घा सिस्टम से यहाँ पर जलार्पण किया जा रहा है, बाह्य अर्घा भी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए आप इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं बाबा धाम के और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय बाबा बैद्यनाथ।